सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटोरियन। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक अमेजिंग यूट्यूब बैनर क्रिएट कर पाओगे। तो पिक्सल लैब को ओपन करके इमेज साइज में जाके इमेज की जो साइज है उसको आप 2560x423 पे आप कन्वर्ट कर लो। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद कलर ऑप्शन पे जाके मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक राउंड शेप को इम्पोर्ट कर लूंगा एंड उसकी जो कलर है उसको मैं चेंज करके ब्लैक कर दूंगा। सर्कल को इंपोर्ट करने के बाद इसकी जो साइज है उसको आप इंक्रीज कर देना एंड साइज को इंक्रीज करने के बाद इसको एकदम लिफ्ट की तरफ आप प्लेस कर देना। इसके बाद मैं यहाँ पे और एक राउंड शेप को इंपोर्ट करके उसकी ओपेसिटी को जीरो कर दूंगा एंड इसकी जो स्ट्रोक की जो विड्थ है उसको मैं 8 पे सेट कर दूंगा। इस राउंड सर्कल को भी आपको सेम तरीके से रिसाइज करके इसकी साइज को इंक्रीज करके एकदम लिफ्ट की तरफ आपको प्लेस करना होगा। इसके बाद इस राउंड सर्कल की और एक कॉपी को मैं यहाँ पे ले लूंगा एंड कॉपी को भी वही सेम तरीके से मैं लेफ्ट साइड में इसको प्लेस कर दूंगा। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद हर एक सर्कल की जो शेडो है उसको आपको इनेबल करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। शेडोज को इनेबल करने के बाद लेयर ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी जो लेयर्स है उसको आप सिलेक्ट करके उन सभी लेयर्स को आप मर्ज कर देना। लेयर्स को मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिल जाएगा, तो उस पैटर्न की आप यहाँ पे एक कॉपी को ले लेना। इसके बाद रिलेटिव पोजीशन ऑप्शन पे क्लिक करके इस पैटर्न को आप राइट साइड पे ले लेना। पैटर्न को राइट साइड पे प्लेस करने के बाद पैटर्न की जो लेयर है उसको सिलेक्ट करके 3D रोटेट में जाके वाई एक्सिस को आप 180 डिग्री पे रोटेट कर देना। इसके बाद सेम तरीके से आप यहाँ पे और एक राउंड शेप को इम्पोर्ट करके इसकी ओपेसिटी को जीरो करके इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है उसको आप 6 पर सेट कर देना। विथ सेट करने के बाद सर्कल की साइज इंक्रीज करके इसको बैनर की एकदम मिडिल में मैं इसको प्लेस कर दूंगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल में से कोई भी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करके उस इमेज को आप राउंड शेप में क्रॉप कर लो। इमेज को क्रॉप करके इमेज की जो साइज है उसको आप ड्रैग करके छोटा कर देना एंड इमेज को छोटा करने के बाद सर्कल के एकदम बीचों बीच आप उसको प्लेस कर देना। इसके बाद इमेज शेडो को इनेबल करके इसकी जो ब्लर रेडियस है उसको मैं 11 कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करके फिटनेस टाइप करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे अपनी चैनल का नाम टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद फॉन्ट स्टाइल पे जाके एमरंट रेगुलर फॉन्ट स्टाइल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद सेम तरीके से मैं यहाँ पे और एक टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद इस बैनर के ऊपर मैं सोशल मीडिया लोगोस को ऐड करने वाला हूँ। अगर आप सोशल मीडिया लोगोस को यहाँ पे ऐड करते हो आपकी जो सब्सक्राइबर्स है वो भी जान पाएंगे कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो। इसके बाद मैं कुछ पैटर्न्स को यहाँ पे ऐड कर लूंगा, तो इस पैटर्न्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद इस इमेज को आप सेव कर लेना। इसके बाद फिर से पिक्सल लैब को ओपन करके इमेज साइज पे जाके आप यूट्यूब चैनल बैनर को सिलेक्ट कर लेना। अब मैं अपने मोबाइल में से एक बैकग्राउंड को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगा एंड इम्पोर्ट करके मैं इसको फुल साइज कर दूंगा। इसके बाद हमने अभी भी जिस बैनर को क्रिएट किया था उस बैनर को आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर लो। बैनर को इम्पोर्ट करने के बाद बैनर की जो लेंथ है उसको आप 100% कर देना एंड 100% करने के बाद बैनर को आप इस बैकग्राउंड के एकदम मिडिल पे आप इसको सेट कर देना। इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करके इस बैनर को आप सेव कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगा और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए दिस इज शुभदीप पाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.